दोस्तों एक ऐसा देश जहां पर कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है और जहां पर ये पूजा होती है वहां पर कोई पुरुष या स्त्री शारीरिक संबंधों के मामले में भूखा या प्यासा नहीं रहता। और एक ऐसा देश जहां पर भारत का एक रुपया 55 रुपए के बराबर होता है और यहां पर एक पिता ही अपनी बेटी के शारीरिक संबंध बनाने के लिए झोंपड़ी बनवाता है। यहाँ दोस्तों हम बात करें कंबोडिया देश के बारे में। दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि हम आपको कंबोडिया की हैरान करके रख देने वाली बातें बताने वाले हैं कि देश अपने मॉडर्न रहन सहन, खूबसूरत लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए और अपनी अजीब परंपराओं की वजह से जाना जाता है। दोस्तों कंबोडिया में पिरा डैक नाम का एक जनजाति रहती है। यहाँ पर एक पिता अपनी 14 साल की बेटी के लिए झोंपड़ी बनवाता है और इस झोंपड़ी को लव हार्ट या प्यार की झोंपड़ी कहते हैं। इसे आप सेक्स की झोंपड़ी भी बोल सकते हैं। इस झोंपड़ी की खास बात यह है कि यहाँ पर लड़की हर रात अपनी पसंद के अलग अलग लड़कों के साथ रात में शारीरिक संबंध बनाती है और वो दिन भर अपने घर का कामकाज करती है। इस जनजाति का ये मानना है कि ऐसी परंपरा से लड़की मजबूत और प्रतिभाशाली बन जाती है और ऐसा करने से लड़की का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस वजह से वो अपना जीवन साथी आसानी से चुन सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की वजह से इन जनजातियों की परंपरा पर काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर आकर अपने पैसे के दम पर लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं। मतलब वो यहाँ पर लड़कियों को 200-300 रुपए देकर पूरी रात मजे लेते हैं और अगले दिन उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों कंबोडिया में खाने के तौर पर काफी ज्यादा अजीब चीजें खाई जाती है। यहाँ पर स्टिक में लगे हुए बिच्छू, काला झिंगुर या फिर सांडे का वो अंग भी खाया जाता है जिससे वो प्रजनन करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वेज नॉन वेज स्ट्रीट फूड बड़े ही सस्ते मिलते हैं। दोस्तों कंबोडिया में 10वीं पास करते करते 70% बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। दोस्तों यहाँ की नाइट लाइफ थाईलैंड की तरह रंगीन होती है, क्योंकि यहाँ पर वैश्यवृत्ति करने वाली लड़कियाँ पैसे वाले लड़कों की तलाश में रहती है। इसलिए यहाँ पर 300 से 400 रुपए में खूबसूरत से खूबसूरत लड़की के साथ आप रात बिता सकते हो। यहाँ पर रहने वाली लड़कियों को मात्र 200 रुपए में कमरा भी मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला वैश्यवृत्ति के काम को करती है, क्योंकि यहाँ पर देव व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों अगर कोई भारतीय कंबोडिया जाना चाहता है तो मात्र 1500 रुपए में अपना वीजा लगवा सकता है, जिसमें भारतीय नागरिक 30 दिनों के लिए वहां पर रह सकता है। दोस्तों कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि कंबोडिया में जिस स्थान पर शारीरिक संबंधों के देवता और देवी की पूजा की जाती है वहां पर कोई जवान स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखे या प्यासे नहीं रहते। जिस स्थान पर ये पूजा होती है वो स्थान चारों तरफ से काफी दूर तक चार दीवारी से घिरा रहता है। कहा जाता है कि स्थान पर जब कोई महिला शारीरिक संबंधों के लिए देवता की पूजा करने के लिए आती है तो पूजा के उपरांत अगर कोई जवान पुरुष उस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है तो वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। दोस्तों यहाँ के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाते हैं और उनके जीवन को सुख शांति से भर देते हैं। दोस्तों कंबोडिया में लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आपको यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अच्छी स्माइल देखने को मिल जाएगी। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। ये मंदिर सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। ये मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथ के प्रसंगों का जिक्र किया गया है और उसकी दीवारों पर बहुत सुंदर अप्सराओं के चित्र भी बनाए गए हैं। सनातन धर्म को मानने वाले इसे सबसे अच्छा पवित्र स्थान मानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।